हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल लर्न टू सक्सीड। आज हम सीखने वाले हैं शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम के जो भी बेसिक्स आपको नीडेड है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं शियर फोर्स डायग्राम यानी कि SFD से। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है जिसमें आपके यहाँ पर कुछ फोर्सेस दिया है, एक यूडीएल लगा है ए से बी तक के स्पैन में, सी पॉइंट पर एक मोमेंट है, डी से ई पॉइंट में वापस एक यूडीएल है जिसका यूनिट है 10 न्यूटन पर मीटर, एंड आपके पास ये ए पॉइंट पर एक फोर्स है रिएक्शन फोर्स एंड डी पॉइंट पर एक फोर्स है। हमें ड्रॉ करना है शियर फोर्स डायग्राम। तो सबसे पहले हम इसे नेमिंग कर देते हैं। अब मुझे ये दोनों रिएक्शन निकालने पड़ेंगे, तो मैं इसे नेम कर देता हूँ आर ए एंड आर डी। सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालने होते हैं इसके सपोर्ट के जो रिएक्शन है उनका वैल्यू। तो वो कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं इस बार पर इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगा के। अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एफ एक्स में जो भी फोर्स है इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पर कोई एफ एक्स का फोर्स नहीं है तो हम वो यहाँ पर SF में नहीं करते। देन नेक्स्ट होता है समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो, ये अपना सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब वो क्या है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, और ध्यान रखिए कि यहाँ पर जब भी आप सॉल्व करोगे SFD BMD के क्वेश्चंस तो क्वेश्चन का डायग्राम एक पेज पे आना चाहिए एंड नेक्स्ट पेज पे उसका कैलकुलेशन पार्ट। क्यों, क्योंकि आपको इस डायग्राम के नीचे ही कनेक्टिंग शियर फोर्स का डायग्राम एंड उसके नीचे फिर बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेंगे रिएक्शंस आर ए एंड आर डी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो। अब वाई में क्या क्या फोर्सेस है वो हमें भी इक्वेट करेंगे जीरो से। तो वाई में सबसे पहला फोर्स है आर ए, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है यानी कि पॉजिटिव, तो प्लस आर ए। देन उसके बाद 40 न्यूटन का यूडीएल है और कितने डिस्टेंस तक लग रहा है, 6 मीटर्स तक, यानी कि 40 × 6 240 न्यूटन का यूडीएल लगेगा ए से 3 मीटर्स पे। तो कितना हुआ 240 न्यूटन एंड डाउनवर्ड जा रहा है यानी कि नेगेटिव, तो -240। देन नेक्स्ट ये तो मोमेंट है और यहाँ पर हम फोर्सेस का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसमें मोमेंट ऐड नहीं होता। देन उसके बाद आर डी भी जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो प्लस आर डी। देन उसके बाद है अपना UDL, कितना है 10 न्यूटन पर मीटर का, कितना डिस्टेंस तक 2 मीटर, तो ये कितना आया 10 × 2 = 20, और वो कहाँ लग रहा है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मतलब -20 इक्वल्स टू जीरो। तो मुझे यहाँ पर एक इक्वेशन मिल जाएगा आर ए प्लस आर डी एंड बाकी कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू उस साइड लिखा गया, तो कितना हो जाएगा 260, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा तो 260, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, एंड नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा मोमेंट। अब हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे किसी एक पॉइंट के अबाउट, तो लेट अस टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए एंड विल इक्वेट इट टू जीरो, क्यों, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब आर ए ए पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका जो मोमेंट होगा जीरो होगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अब नेक्स्ट फोर्स है कितना, यूडीएल का है, यूडीएल कितना था 40 न्यूटन मीटर का था और 6 मीटर तक लग रहा था, तो उसका इंटेंसिटी कितना हुआ 240 न्यूटन कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, तो कितना 240 × 3, और रखा हमने पेन एंड कहाँ नीचे था, तो ये कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये हो गया पॉजिटिव। नेक्स्ट फोर्स कितना है 80 का डायरेक्टली ये मोमेंट है तो, और इसका डायरेक्शन दिखा है कितना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हो गया प्लस 80। देन उसके बाद आर डी फोर्स आपका लग रहा है और ए पॉइंट से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो कितना है 6 + 2 = 8 + 2 = 10, मतलब 10 आर डी, एंड रखा पेन अपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ए पॉइंट क्या फिक्स एंड घुमाया, ये क्या घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि माइनस। देन उसके बाद 10 न्यूटन पर मीटर वाला यूडीएल था, उसका इंटेंसिटी कितना हुआ 10 × 2 = 20, और वो कहाँ लगेगा इसके सेंटर पे, तो ए पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका डिस्टेंस जो है यहाँ तक 10 था और प्लस 1 11 × 10, दैट इज ये क्या हो गया, ये आपका यूडेल का मोमेंट जो क्रिएट हो रहा है, रखा पेन घुमाया, ये क्या हो जा रहा है, ये जा रहा है क्लॉकवाइज, तो ये हो गया पॉजिटिव। और कुछ फोर्स है क्या, नहीं है, तो अब इसे इक्वेट करेंगे हम जीरो से, तो यहां से आपको आर डी का वैल्यू मिल जाएगा, तो आर डी का वैल्यू आता है आपको 102। एंड देन उसके बाद इस आर डी वैल्यू को आप इक्वेशन वन में पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा आर ए का वैल्यू जो कि है 158 न्यूटन। इस तरह से आपको मिल जाता है इसका रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन जो कि आर ए एंड आर डी है। तो अभी अपने पास आर ए एंड आर डी का वैल्यू हमने निकाल लिया है, आर ए मुझे आया 158 एंड आर डी आया मुझे 102। मैं यहाँ पर लिख रहा था उसको, आर ए का वैल्यू कितना आया था 158 एंड आर डी आया था
102. अब मुझे ये निकालने हैं शेयर फोर्सेस की वैल्यू. तो मैं यहाँ पर शेयर फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूँ. आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन पार्ट एक साइड में एंड ड्राइंग पार्ट एक साइड में, तो इसलिए मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर लिए क्योंकि इसके नीचे हमारा ड्राइंग आएगा. अब यहाँ पर आपको शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है. तो ध्यान क्या रखना है कि शेयर फोर्स मतलब ये फोर्स, जहाँ पर फोर्स है उसके लेफ्ट एंड राइट में हम अपना सेक्शन ड्रॉ करने वाले हैं. तो फोर्सेस कहाँ कहाँ पर है? फोर्सेस है मुझे ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं है बट वो एक मेजर पॉइंट है तो हम उसे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे. सी पॉइंट भी एक मेजर पॉइंट है. डी पॉइंट पर एक फोर्स है तो इसके हम लेफ्ट एंड राइट में सेक्शन ड्रॉ करेंगे. ई पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं है बट एक मेजर पॉइंट तो उसे हम कंसीडर करेंगे. तो मेरे पास यहाँ पर पॉइंट्स क्या कहेंगे, सबसे पहले ए पर फोर्स था तो लेफ्ट ऑफ ए, मुझे कैलकुलेशन करना है लेफ्ट ऑफ ए का. देन क्योंकि फोर्स था इसलिए उसके राइट ऑफ ए पर भी हम सेक्शन रखेंगे, राइट ऑफ ए. उसके बाद बी पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं है तो वहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे एट पॉइंट बी. उसके बाद सी पॉइंट पर भी कुछ फोर्स नहीं है, मोमेंट है बट वो बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन में आएगा, शेयर फोर्स में नहीं आएगा. तो ये पॉइंट एज इट इज एट पॉइंट सी. देन उसके बाद डी पॉइंट पर फोर्स है तो उसके हमें लेफ्ट एंड राइट पर सेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा. तो लेफ्ट ऑफ डी एंड राइट ऑफ डी. एंड लास्टली बचा ई पॉइंट. ई पॉइंट पर भी कोई फोर्स नहीं है तो वहां पर भी क्या आएगा एट पॉइंट ई. अब हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट अपना जीरो होता है, वो क्यों होता है मैं समझा देता हूं एक बार. अब जैसे कि हमने बोला कि यहां पर लेफ्ट ऑफ ए एंड राइट ऑफ ए, हम क्या कर रहे हैं, हम अपना एक सेक्शन ड्रॉ करेंगे ए के लेफ्ट में. ए के लेफ्ट में ड्रॉ किया सेक्शन, तो जस्ट लेफ्ट में ड्रॉ किया तो मेरे पास इस बीम के दो पार्ट हो गए, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड. अब हम दोनों पार्ट में से किसी भी एक पार्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं और हमारा दोनों पार्ट का अगर जो भी कैलकुलेशन करेगा वो सेम ही आता है तो हम वो साइड लेंगे जिस पर हमें कम फोर्सेस हो. तो अगर ये आपका सेक्शन है, इस साइड में कुछ फोर्स नहीं है मतलब क्या है, जीरो है इसलिए ये जीरो है. अब सिमिलरली लास्ट वाला सेक्शन अगर ड्रॉ किया तो इस साइड में कुछ फोर्स नहीं है इसलिए वो जीरो है. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट आपका राइट ऑफ ए. अब सेक्शन ड्रॉ किया ए पॉइंट के जस्ट राइट में. अब जस्ट राइट में ड्रॉ किया तो आपका इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में एक फोर्स आ गया आ रहा है, राइट हैंड साइड में बाकी सभी फोर्सेस आ गए. ठीक है, तो हम वो साइड लेंगे जिसमें अपने कम फोर्सेस है तो लेफ्ट हैंड साइड में अपना आर ए है. शियर फोर्स डायग्राम के कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ साइन कन्वेंशन लेना पड़ता है. साइन कन्वेंशन क्या है कि लेफ्ट साइड में अप जाता हुआ लेफ्ट अप विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड राइट अप विल बी टेकन एज नेगेटिव. ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में अगर कोई फोर्स ऊपर जा रहा है तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो अगर राइट साइड में कोई ऊपर जा रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा. ओके, तो अब यहां पर क्या था, अपना फोर्स हमने सेक्शन लिया है आर राइट ऑफ ए में, तो आर ए लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में ये ऊपर जा रहा है तो ये क्या होगा, ये होगा आपका पॉजिटिव फोर्स. तो आर ए विल बी कितना पॉजिटिव, 158, क्योंकि ये फोर्सेस का कैलकुलेशन है तो डायरेक्टली हम फोर्स लिखेंगे तो कितना प्लस 158. ओके, देन अब हमारा सेक्शन कहां पर है, एट बी. ये जो हमने यहां पर लिखा है लेफ्ट ऑफ ए राइट ऑफ ए एट बी एट सी, ये सेक्शन की पोजीशन है. कैलकुलेशन हम लेफ्ट में कर रहे हैं ये नहीं बता रहे हम यहां पे, वो हमारा डिसीजन है कि हम किस साइड करने वाले हैं. हम यहां पर सिर्फ दिखा रहे हैं कि ये अपना सेक्शन का पोजीशन वहां पर है. अब कैलकुलेशनली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन आप किसी भी साइड का करो और वो साइड का करो जिससे जो साइड आपको सिंपल लगे. अब कैलकुलेशन पार्ट आया बी पे. बी पर हमने सेक्शन ड्रॉ किया अपना, बी पर सेक्शन ड्रॉ किया तो मेरे बीम के दो पार्ट हो गए, एक लेफ्ट और एक राइट. अब आपके ऊपर है, मैं नॉर्मली लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. अब लेफ्ट साइड में मेरे पास एक फोर्स कितना था, 158. ये कहा है लेफ्ट में ऊपर जा रहा है तो लेफ्ट अप मतलब पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ 158 इज पॉजिटिव. अब दूसरा फोर्स था 40 × 6, 240 न्यूटन का, कहां आ रहा है, डाउनवर्ड में आ रहा है क्योंकि बीम के लेफ्ट साइड में है ना और वो डाउनवर्ड आ रहा है तो कितना हुआ, लेफ्ट अप अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में डाउन विल बी नेगेटिव, तो उसी में क्या आएगा माइनस 240. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 82. ओके, सॉल्व करने पे देन अब अपना सेक्शन कहा है, एट सी. सी पॉइंट पे सेक्शन ड्रॉ किया, सी पॉइंट पे सेक्शन ड्रॉ किया. अब मेरा बीम के दो पार्ट हो गए, एक लेफ्ट एंड राइट. कैलकुलेशन किस पार्ट में करना है वो आपका डिसीजन है. मैं हमेशा लेफ्ट साइड कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन ये पोजिशन बता रहा है सेक्शन कहाँ पर है, ये रख दिया यहाँ पे. एंड देन उसके बाद फिर आप यहाँ पर क्या है, कितने फोर्सेस बचे हैं, आर ए एंड 240. आर ए कहाँ है, लेफ्ट साइड में अब जा रहा है पॉजिटिव तो 158, एंड 240 कहाँ है, नीचे है तो माइनस 240 इक्वल्स टू माइनस 82. अब नेक्स्ट सेक्शन कहाँ पर है, नेक्स्ट सेक्शन है लेफ्ट ऑफ डी. डी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में है अपना नेक्स्ट सेक्शन, तो जब डी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में है तो ये आर डी राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट में नहीं है. अपना सेक्शन लेफ्ट में तो आर डी आपका
राइट हैंड साइड में. अब इस साइड का कैलकुलेशन करेंगे, इस साइड में फोर्सेस क्या बचे, आर ए 240, ये तो मोमेंट है तो ये कैलकुलेशन में नहीं आता. तो यहाँ पर क्या बचा, आर ए कितना है लेफ्ट में अप पॉजिटिव, मतलब प्लस 158 माइनस 240, ये तो मोमेंट है, ये इसमें नहीं आएगा कैलकुलेशन करने के लिए. तो इसका आंसर कितना है, माइनस 82. अब सेक्शन लिया हमने राइट ऑफ डी, सेक्शन लिया राइट ऑफ डी में. जब हमने सेक्शन रखा राइट ऑफ डी में तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस. अब आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर आपके पास दो पार्ट है, लेफ्ट एंड राइट. अगर आप लेफ्ट पार्ट का कैलकुलेशन करोगे तो भी वो सेम ही आएगा राइट हैंड साइड के. तो मैं, मेरा ऐसा है कि जिस साइड कम फोर्सेस है वो साइड सॉल्व करता हूँ मैं. तो इस साइड में क्या दिख रहा है मुझे, साइड में एक यूडीएल दिख रहा है. तो अगर मैं इस साइड का देखूँ तो यूडीएल का कितना था, 10 into 20, कहाँ, डाउनवर्ड. तो मेरा साइन कन्वेंशन क्या था, लेफ्ट अप पॉजिटिव और राइट अप नेगेटिव. तो अब ये राइट में डाउन साइड जा रहा है तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो मतलब कितना पॉजिटिव, 20 पॉजिटिव, ये हो गया 20. तो ये आपके पास आ गया शियर फोर्सेस के वैल्यू. साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में अब जाता है तो पॉजिटिव एंड राइट साइड में अब जाता है तो नेगेटिव. अब इन पॉइंट्स को हमें अपने डायग्राम के लिए प्लॉट करना है. तो आप पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए. अब लेफ्ट ऑफ ए, ए पॉइंट पर मेरे पास दो पॉइंट्स है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, कितना है 0 and 158. जीरो तो जीरो, ये रहा स्टार्ट हुआ. 158 का क्या है, पॉजिटिव है तो अबव एक्स एक्सिस आएगा. तो सपोज वो 158 यहां पर है, ये आ गया आपका 158 वाला पॉइंट, ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट बी, एट बी पर पॉइंट कितना है, माइनस 82, मतलब ये बी वाला पॉइंट है, माइनस मतलब एक्स एक्सिस के नीचे. सपोज 82 यहां पर है माइनस में, तो ये 82. देन उसके बाद सी पॉइंट, सी पॉइंट में क्या है, माइनस 82, तो ये सेम आगे बढ़ेगा, यहां पर है माइनस 82. देन डी पॉइंट पे क्या है, डी पॉइंट पर भी है माइनस 82, सेम आगे कंटिन्यू हुआ माइनस 82. उसके बाद अपना है प्लस 20, प्लस 20 मतलब कहां पर है, डी पर, डी पॉइंट पर दो पॉइंट्स है, एक था माइनस 82 एंड एक है प्लस 20. तो ये सॉरी, ये था आपका डी पॉइंट, तो इसमें प्लस 20 एक्स एक्सिस के ऊपर, तो सपोज वो आपका 20 वाला यहां पर है. देन उसके बाद ई पॉइंट, ई पॉइंट कितना है, जीरो. तो ये हो गए आपके सभी पॉइंट्स प्लॉट. अब इसे आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे. हम यहां से ए से स्टार्ट हुआ, 0 से 158, 0 से ए पर ही गया 158. देन बी पर कितना आया, माइनस में 82. तो यहां पर प्लॉट किया हुआ है, इसे हम कनेक्ट कर देंगे, ये कि हमने इसे कनेक्ट, ठीक है. उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्यों, क्योंकि तीनों के पॉइंट सेम है, तो ये आगे कनेक्टिंग स्ट्रेट गया. उसके बाद डी पॉइंट पर ही ये 20 है, डी पॉइंट पर दो पॉइंट्स थे -82 एंड +20, -82 यहाँ रहा एंड +20 फिर ऊपर इसी लाइन में गया, ये रहा यहाँ पर, एंड उसके बाद आपका आया ई पॉइंट पर 0. तो ये जो आपका डायग्राम बना है ये होता है शियर फोर्स डायग्राम. और जिस पॉइंट पे आपका शियर फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉस करता है, मतलब ये पॉइंट आपका हो जाता है शियर फोर्स में 0, और इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है. आपको ये अगर समझ गया अच्छे से तो इसमें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. बस ध्यान ये रखना है कि आपका साइन कन्वेंशन ठीक से आपने यूज़ किया है. तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. दोस्तों अगर मैंने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया है, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ये और लोगों तक पहुँचेगा. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के लिंक्स आपको मिलते रहेंगे. थैंक यू.